आर, आपके पास चार कदम, आपके पास केवल चार ही कदम है। अड़ेगा पहला टर्म्स का वैल्यू लिखना, जो लिख दिए, उसके बाद पावर को टर्म गुना में पावर को बांट दिए, तो जितना भी टर्म गुना में रहे भागा में रहे, ठीक है, बाद सभी में वो पावर आराम से बांट दो। अड़ेगा बात सो क्या आ जाएगा, 3 to the power 14 - r, x स्क्वायर का पावर 14 - r, अड़ेगा 5 का पावर 14 - r, और 4 का पावर r, 3 का पावर r, और x का पावर r। एक बार में एक ही बार में बनाने की कोशिश मत करना, बनाया जा सकता है, थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाता बनाना, लेकिन अभी तुम बहुत जल्दी में नहीं जाना, आराम से पहले उसको बनाओ, इसके बाद पावर को बांटो। तीसरा कदम तुम्हारे पास पावर, तीसरा कदम तुम्हारे पास पावर का पावर गुना, अड़ेगा क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 28 - 2r, और ये हो गया 4 का पावर r, अड़ेगा 5 का पावर 14 - r, यहां पर 3 का पावर r, और एक्स का पावर r। देखो एक्स का टर्म यहां भी है, एक्स का टर्म यहां भी है, अब इसको हम कलेक्ट किए, सो दिस इज 14 cr, और 3 to the power 14 - r, दिस इज 4 का पावर r, एक्स का पावर 28 - 2r, अड़ेगा 5 का पावर 14 - r, 3 का पावर r, और x का पावर r, मतलब सेम चीज लिख दिए ना, सेम बेस पर पावर को, चलो ये तो हो गया, जो घेरे तो उसको अलग कर दिए, अब सेम बेस पर पावर घटता है, तो 28 - r, सो 28 - 3r, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अरे बस, और अब आपको यहां से सवाल बनाना था, तो हर बार यहां लगा जाएगा, इसके बाद कितना से बोलेगा, जितना बोला -2 बोला तो -2 से, x का पावर 28 - 3r बराबर x का पावर -2। अड़ेगा पता, हर बार देखो इसको लाना है, क्वेश्चन नंबर 1 का है, 4 स्टेप संभालना है, ये 4 स्टेप, वो भी कुछ संभालना क्या है कि आप जल्दी में नहीं चल जाइए, यानी कि जल्दी लड़बड़ कर एक ही बार बनाने की कोशिश करें, ये बात क्या है कि हमसे नहीं बनता, अरे ऐसा कुछ स्टेप नहीं जो आपसे नहीं बनेगा, आप आराम से सवाल को बना सकते हैं। So this is 28 - 3r बराबर क्या हो गया -2, so 28 - 3r इधर ले 2 को, so 30 बराबर क्या हो गया 3r, r का वैल्यू क्या हो गया 10, यहां पर 10 आया, हम लोग क्या मानते हैं r प्लस 1 है, so हम लिख सकते हैं 10 प्लस 1 11th टर्म contains, अड़ेगा x का पावर -2, so the required coefficient is required coefficient, तो from first, हर बार first ही बढ़ाना है, ये जो देख रहे हैं first, इसमें केवल ये वाला term को छोड़ देना, ये वाला term को छोड़ देना, बाकी में बढ़ा दो, so क्या आ जाएगा, so required coefficient is 14c, adding was r का value कितना बढ़ाना है 10, तो 10 बढ़ाएं, 14c 10, और 3